नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। यह शिवरात्रि माँ पार्वती और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने की वेला होती है। बहुत ही सुंदर समय होता है, बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। शिवरात्रि पर काफी शुभ योग बन रहे हैं, ऐसे में शिवरात्रि के इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर का अपना एक अलग महत्व होता है। इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षत ले लें। कथा पूर्ण हो जाने पर वह अक्षत और फूल भगवान शिव को समर्पित कर दें। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार कर अपने घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्जा था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था, इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। एक दिन शिवरात्रि के दिन उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया था कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोग बस शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला था। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वह खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद वह प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में ही शिव की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता, शिकारी को एक और हिरणी दिखाई। वह वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ, शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उसे निवेदन किया कि वह कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है, मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ, जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वह बहुत चिंतित था। रात का आखिरी प्रहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु ने कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। इससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी आती हुई दिखाई दी, जो कि वह वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी से शिकार करने का निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरणियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वह उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह हो चुकी थी, उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा, उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आए तीन हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उसके वियोग में दुखी ना होना पड़े, लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दें, जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर
शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणी उनकी पत्नी है। हिरण ने शिकारी से कहा, हिरण ने कहा कि जिस तरह से उसने विश्वास करके हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी वह जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर की भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ समय बाद वह हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उसकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। हर हर महादेव। आपके हाथ में जो चावल और फूल है उसे भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दें। भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो, यह मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, स्तुति करें। कर्पूर गौरम करुणावतरम जरूर पढ़ें। स्तुति करने के बाद भगवान की आरती करें, भगवान शंकर की आरती करें। आरती करने के बाद में पूरे परिवार आरती लें, प्रसाद लें, सुखपूर्वक इस कथा को श्रवण करें, इस कथा का रसपान करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हो मेरे इस वीडियो पे, वो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करना, शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म पत्री से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या, मन में शंका हो कि मैं अपनी कुंडली दिखा लूँ, किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखवा लूँ, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में अपनी डेट, टाइम, डे सब कुछ डाल दें। साथ में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। वैसे इसमें व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भेज दें। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जन्मपत्री देखने के एक भी पैसे नहीं लूँगी। आप कांटेक्ट करें मुझसे। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या का निदान बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। आपकी जन्मपत्री को देख करके जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों, आपकी पत्री के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको कौन सा नग पहनना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, किस समस्या से आप ग्रसित हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी कई बार होते हुए भी भूल जाता है व्यक्ति, तो वह सारी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। जो कोई भी मेरे इस चैनल पर नए आए हों, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक वीडियो डाला है प्रदोष व्रत कथा, श्रावण व्रत कथा, उसको भी सुने। वीडियो को लाइक करें। जो मेरे वीडियो पे नए हों, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। धन्यवाद।